Now before we start, good news. ये मेरी शादी का कार्ड. Remember तुमने सेलेक्ट किया था. तुम्हें शादी में जरूर आना है. और शादी में क्यों? In fact सारे functions में आना है, okay? And कल जो tender निकलने वाला है उसकी file मैंने ready कर ली है. So just go through it and मेरे behalf पे please meeting attend कर लेना. I don't want कोई भी problem हो. So I only trust you. तुम अच्छे से कर पाओगी इसलिए ये वो file है कल की. नरेंद्र सर, मैं नहीं जा पाऊंगी. क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, मैं बाहर जा रही हूँ कहीं पर्सनल काम से. एक ही दिन के लिए जा रही हो ना? या हाँ, फिर वो मैनेजर है ना बिस्ट, उसको बोल दूंगा मीटिंग अटेंड कर लेगा. बट मुझे अच्छा लगता अगर तुम अटेंड कर पाती तो. बट एनीवेज ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा पर्सनल काम है, दैट इज ओके. कभी कभी सोचता हूँ कि तुम नहीं होगी तो कंपनी कैसे चलाऊंगा. आई एम सो यूज्ड टू यू. मुझे आपकी जिंदगी से दूर जाना ही होगा नरेश सर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं. मेरे बच्चे के लिए मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना होगा. मैंने उसको भी मेल कर दिया अभिष्ट को, और ये फाइल भी उसको दे देना, उसको डिटेल्स बता देना. एंड हो सके तो जल्दी वापस आ जाना. इफ यू कैन अटेंड अच्छा लगेगा, मतलब मैं थोड़ा पीसफुली सारे फंक्शन अटेंड कर पाऊंगा. एक्चुअली मुझे आदत डालनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि अब तुम लंबी छुट्टी पे चली जाओगी तो आई थिंक कोई और होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके. सर, मैं लंबी छुट्टी के लिए क्यों जाऊंगी? क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए. नहीं सर, आपको कैसे? कम ऑन अंकिता, कोई भी नॉर्मल इंसान बता देगा, सिम्टम्स यही कहते हैं. तुम्हारा अचानक वॉमिट आना, एंड दैट्स वाई मैंने तुम्हारा डेस्क अंदर लगवा लिया था ताकि तुम ज्यादा एग्जर्ट ना हो. एंड डोंट वरी, मैं कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. इट्स योर पर्सनल लाइफ, सो आई विल नॉट गेट इनटू इट. ठीक है, ये बिश को दे देना. ओके, ये लो कार्ड तुम्हारा. मैंने उससे बोला है कैबिन में बैठने के लिए. She's pregnant. 10 बार अंदर बाहर करती है, बेचारी थक जाती है, बीमार पड़ रही थी. तो इसलिए तुमने उसे कैबिन में बिठा लिया? What's wrong in that? वो इस कंपनी की एक अच्छी एम्प्लॉई है. She's very efficient. और अगर प्रेग्नेंट है तो मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकता हूँ. परी, बड़ी डिस्टर्ब लग रही हो. एनी प्रॉब्लम? नहीं, तुम नरेन को मिस कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. नरेन से कोई अनबन हुई? नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है. तो क्या प्रॉब्लम है? आई मीन, तुम बहुत अपसेट लग रही हो. मैं तुम्हारी मामी हूँ और मामी भी आई जैसी होती. तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो. मैं तुम्हें ऐसे अपसेट नहीं देख सकती. बोलो क्या प्रॉब्लम? वो अंकिता. अंकिता क्या किया उसने? कुछ नहीं, वो एक्चुअली अंकिता ना नरेन के कैबिन में शिफ्ट हो गई है और वो हर रोज वहीं से काम करती है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा. मैं नहीं जानती कि मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अंकिता सब कुछ जानबूझ के कर रही है बस नरेन के करीब रहने के लिए. ऐसा हो सकता है, मेरा मतलब तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, चाहे जो भी हो. आखिरकार 6 महीने की शादी, एक साथ रहे हैं शादीशुदा, आई मीन पति पत्नी की तरह, तो जायज है ना, हो ना हो कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो रही होगी. और अंकिता उसे इन कैश करने की कोशिश करे, आफ्टर ऑल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब उसे पैसों का सोर्स तो है नहीं, तो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए पैसे तो चाहिए ना. और तुम तो जानती हो ना इन चौल वालों को कैसे चीप मेंटेलिटी के होते हैं, इनसे दूर रहने में ना भलाई, वरना पता नहीं कब वो नरेन को झांसे में लेकर तुम्हें उसकी जिंदगी से. तो इस हिसाब से तो आई बाबा, आजी अजोबा, इनकी मेंटालिटी भी चीप होगी ना, क्योंकि ये लोग भी चौल में रहते थे.
इनफैक्ट अब भी रहते हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस वही नहीं। प्लीज, आपके कहने का मतलब क्या था क्या नहीं था मुझे तो मत ही समझाइए। मैं आपका मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। आप क्यों कर रही हैं ये सब? आप परी को अंकिता के खिलाफ क्यों भड़का रही हैं? अंकिता और नरेन अपना स्टैंड ले चुके हैं। उन दोनों ने सबके सामने बोल दिया कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं है। इनफैक्ट नरेन ने तो ये भी बोला है कि अंकिता पहले उसकी केयर टेकर थी और अब उसके ऑफिस में एक एम्प्लॉई है, दैट्स इट। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इसे क्यों भड़का रही हैं अंकिता के खिलाफ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, मैंने सिर्फ परी को अपसेट देखा तो मुझे उसकी चिंता हो रही। वही नहीं, आपको परी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि परी की चिंता करने के लिए घर में लोग हैं। आप तो इसकी चिंता मत ही कीजिए। देख परी, मुझे नहीं पता कि तू वहीनी की बात सुन के क्या सोच रही है। एक बात मैं तुझे बता दूं, अगर तू नरेन पे शक करेगी ना, उसके साथ गृहस्थी नहीं बसा पाएगी। प्यार में विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। अरे तेजू आती है, परी तो चलिए ना, आपको डांस प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? ओविया तो कब से आपको बुला रही है, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। मानसी, मैं नहा कर आता हूँ। हाँ बहुत गर्मी हो गई है। अरे राघव, तू यहाँ का घूम रहा है? और ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? चोरी वोरी की है क्या? चल जो भी हो, तू ये पैसे मुझे दे दे। अरे मेरी बहुत उधारी है तेरे पास। देख, ये मेहनत से कमाए, हमारे बच्चे का जन्मदिन है, तोहफा लेना है मेरे को, बाद में लेना उधारी। अबे कितना झूठ बोलेगा, कम से कम बच्चों का नाम लेकर तो झूठ बोलना छोड़ दे, लोगों को उल्लू बनाना छोड़ दे। चल, अबे तुझे अच्छी तरह से जानते हैं हम, ये पैसे लेकर तू दारू ही पिएगा राघव। देख ओए, समझ, हमारे को पिस्टल वाला बनने में मजबूर मत कर। हमने कहा ना कि पैसे हमारे बच्चे के लिए हैं। अगर हमारा बस चला ना तो बच्चों के लिए पिस्टल वाला तक बन जाएंगे हम, समझ गया? चल भाग यहां से। रुक राघव, देखता हूं तेरे को। एक्सक्यूज मी, यहां से रोड ब्लॉक है तो इंपीरियल हाइट्स के लिए रास्ता कहां से? ये इंपीरियल हाइट जाने के लिए रास्ता? अरे दामाद जी, अरे कहाँ ढूंढ रहे हैं? क्या कर रहे हैं, कौन है आप? अरे दामाद जी, ससुर, तेरा ससुर राघव मात्रे। ससुर फिर आपको जानते ही नहीं हो? दामाद जी, हम अंकिता के बाप राघव मात्रे, तेरा ससुर जी। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। नमस्ते। अरे कमाल है, समाज जी हमरे को भाव नहीं दे रहे। अरे यार, पहले पागल थे तो हमारे साथ अच्छे थे, अब अच्छे तो हमारे साथ पागल हो गए। अरे कहाँ हो, कहाँ गया? आपका अपॉइंटमेंट है?
जी हाँ। किस नाम से? अंकिता। ओके, मुझे आपके कुछ और डिटेल्स चाहिए। बच्चे के पिता का नाम? जी नर शशांक। कितने महीने हुए आपके प्रेगनेंसी को? तीसरा महीना। आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। लीजिए। शशांक, तुमने अपना नाम क्यों लिया? अंकिता, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ नरेन का नाम दो, प्रॉब्लम हो सकती है। अंकिता, एक बार डिलीवरी हो जाए तुम्हें मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शशांक, वो शशांक, मुझे डर लग रहा है। हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकिता, हम सही कर रहे हैं, इसी में सबकी भलाई है। तुम यहाँ रहोगे तो किसी को भी तुम्हारे बच्चे के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, और ना ही तुमसे कोई ये पूछेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। अंकिता, अब सोचने का वक्त नहीं है, हम बहुत आगे आ चुके हैं। अंकिता, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना है ना, देना है ना, तो बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जस्ट ट्रस्ट मी। दादी, यहीं रुकिए। जी, क्या हो गया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आज इतनी उदास क्यों है? नहीं, बस वो कल चूड़ी की रस्म है ना, तो उसी के बारे में सोच रही थी। मानव, कुछ पता चला? सोहम का कुछ पता चला? अर्चना, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द। बस मानव, बहुत हो गया। मुझे तसल्ली नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे सोहम चाहिए इस घर में। मानव, कब से मैं यही सुन रही हूँ कि सोहम मिल जाएगा, सोहम मिल जाएगा। मानव, क्या कर रही है पुलिस? कल चूड़ी की रस्म है, मैं चाहती थी कि सोहम यहाँ हो, वो यहाँ रहे। आई, सोहम नहीं है तो क्या हुआ? सचिन है ना, और सचिन भी तो परी के मामा लगते हैं, तो रस्म सचिन भी कर सकते हैं। क्या हुआ नीना? सचिन पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब तो अलर्ट हो जाओ। जो कुछ भी हुआ तुमने देखा ना, कल परी की चूड़ी की रस्म, आई वो भी सोहम के हाथों करवाना चाहती। तुम्हें तो कंसिडर भी नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि सोहम उनका सगा बेटा है। इससे पहले सोहम आ जाए, तुम आई से बात करो कि प्रॉपर्टी का बंटवारा करे। हमारी अपनी भी लाइफ है, अपनी भी जरूरतें हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर है जिसे हमें देखना है। और सचिन, सबसे बड़ी बात, इस प्रॉपर्टी पर हमारा हक है। इतने सालों से आई बाबा की हमने सेवा की, उनकी पसंद नापसंद, उनकी जरूरतों का ख्याल हमने रखा। परी तुम्हें मामा कहते हुए बड़ी हुई, और जब आज उसकी चूड़ी की रस्म आई तो उसका सम्मान सोहम को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनका सगा बेटा है और तुम पराए। तुम चाहे कितना भी अपनापन कर लो, आई के लिए तुम पराए हो, पराए ही रहोगे। नहीं नीना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो सचिन, प्रॉपर्टी का बंटवारा अभी तक क्यों नहीं हुआ? और वैसे भी क्यों परी की चूड़ी की रस्म वो सोहम के हाथों करवाना चाहते? और मुझसे ये सेकंड हैंड ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं होता। उसने ऑफिस में बोला कि उसे पर्सनल वर्क है, और मानसी को बताया कि उसे ऑफिशियल काम है। मतलब शी इज लाइक बोथ द प्लेसेस। एग्जैक्टली। नरेन, उसकी बहन रोते हुए आई थी मेरे पास, तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही थी। You know, she's pregnant. उसकी हालत बहुत खराब थी। I feel so bad for her. पता है, मानसी की शादी से पहले अंकिता और शशांक के बीच में जो कुछ भी था, it's okay. I understand that. और उसके लिए मैं अंकिता को ब्लेम नहीं करती, लेकिन अब वो जो कर रही है, अब
अपनी बहन के पति के साथ ऐसे रिश्ते रखना, इट्स डिस्गस्टिंग। शी सच अ सेंसिबल गर्ल, ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा। नरेन, अंकिता प्रेग्नेंट है, वो अच्छी तरह जानती है कि एक बच्चे की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है, वो भी अकेले। हो सकता है कि वो इसीलिए शशांक जैसा एक सपोर्ट ढूंढ रही हो। कब तक सपोर्ट करेगा उसे? वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन ये बात अंकिता को समझाना जरूरी है। उसे ये बताना जरूरी है कि ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तुम खुद बताओ, वो इस बच्चे को जन्म तो दे देगी, लेकिन क्या उसे वो सारे अधिकार दिला पाएगी जो वो डिजर्व करता है? इसीलिए मुझे लगता है उसे ये बच्चा अबॉर्ट कर देना चाहिए। एटलीस्ट उसकी बहन का घर तो बच जाएगा। पता नहीं, उसे जो भी करना चाहिए जल्दी करना चाहिए। आई डोंट नो, 3-4 जिंदगियां उसके चक्कर में खराब हो रही है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। ओके, आई कुछ बात करनी तुझसे। हाँ बोल। आई तूने क्या सोचा? किस बारे में? अपनी विल के बारे में। तुझे याद है ना, तू इंडिया उसी काम से आई थी। उसी काम से आए थे, लेकिन जल्दी क्या? जल्दी कहाँ बाबा, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें नुकसान मेरा हो रहा है। भाई बाबा, आप अपनी विल जल्दी फाइल कर दीजिए प्लीज। समझ रहे हैं हम, सचिन हम समझ रहे हैं। तुझे ये डर है ना कि सोहम वापस आ जाएगा तो? आई मैंने किसी का नाम लिया नहीं ना, लेकिन फिर भी तू समझना चाहती है तो समझ ले। कितनी बार मैं तुझसे कहा है ये बातें इस घर में नहीं होंगी। मानव एक सेकंड, मैं बात कर रही हूँ, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं हूँ ना अर्चना, लेकिन मानव प्लीज, आपको मेरी कसम, मैं बात कर रही हूँ ना, आप बैठिए। मानव सचिन देख, एक बार सोहम को मिले थे, फिर देखते हैं क्या करना है। सोहम कब मिलेगा कब नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी वजह से विल को रुकवाने की ना तो कोई जरूरत है और ना ही वो ठीक है। भाई बचपन से लेकर आज तक मैं तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन हर बार हर चीज मुझे सेकंड प्रायोरिटी दी गई। मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बोलना पड़ रहा। और कितने दिन आए, कल सोहम यहाँ रहने आएगा और आके यहाँ का राजा बन जाएगा। कल तक तेरी जिंदगी में जो मेरी जगह थी उसे एक दिन में मिल जाएगी, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो तू ऐसे क्यों? हाय हाय प्लीज, अब मेरी भी एक लाइफ है, मेरी बीवी है, बच्चे, जो मुझे उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा। आया सोहम यहाँ नहीं है, लेकिन उसे मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। यहाँ तक कि परी की चूड़ी की रस्म तू उसके हाथों करवाना चाहती। ऐसा नहीं है सचू, सोहम बस मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि सोहम अलग है सचिन अलग। अभी जानता हूँ कि सोहम तेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, सो प्लीज मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तू उसे ढूंढ रही है, घर आ जाती है, ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन उसके पहले अपनी विल फाइनलाइज कर दे, क्योंकि सोहम के इस घर में आने के बाद मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। Yes? मुझे अपनी बहन का यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्या नाम है उनका? अंकिता। कहाँ रहती है वो? मुंबई। आई गेस इस नाम से एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेट मी चेक। हाँ ये रहा, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन खुद करवाया है। फिर ये कैसे हो सकता है? आप एक बार प्लीज अच्छे से चेक कीजिए ना। हाँ मैम, मैं सच बोल रही हूँ, गिव मी वन सेकेंड। ये रहा उनका फॉर्म, उनके हस्बैंड का नाम शशांक है, राइट?
थैंक यू। ओह, तो इस काम से दोनों यहाँ आए थे। मतलब गाय के पेट में जो बच्चा है वो और किसी का नहीं, शशांक का ही है। ये रहा उनका फॉर्म। उनके हस्बैंड का नाम शशांक है, राइट? मानसी, तू सोई नहीं अब तक? चल आजा सोते हैं, कितना लेट हो गया। इतनी चिंता मत कर मेरी, वरना लोगों को वही गलतफहमी हो जाएगी जो मुझे हो गई थी कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है। मनु, तू क्या कह रही है? गलतफहमी हो जाएगी मतलब क्या है? सच कह रही हूँ मैं ताई, और कितना झूठ बोलेगी तू मुझसे, कितने प्यार का नाटक करेगी। तकलीफ होती है मुझे सोचकर कि कितना बड़ा विश्वासघात किया है तूने मेरे साथ। मैंने विश्वासघात किया? हंसी, तुझे क्या हो गया? बस कर, अब और कितना झूठ बोलेगी तू मुझसे? मुझे पता चल चुका है कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसका है। किसका है मतलब? तू क्या कहना चाहती है? पूरी दुनिया में तुझे मेरा ही पति मिला था ये सब करने के लिए?